जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके रब ने ईश देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे मनोकामना पूर्ति उपाय की। वो मनोकामना आपकी कोई भी हो सकती है, लेकिन एक सोमवार में किया गया ये महा उपाय भगवान सदाशिव की कृपा आपके ऊपर इतनी बरसाएगा कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आज बात कर रही हूँ मनोकामना पूर्ति उपाय की, इच्छा पूर्ति उपाय की, सर्व कार्य सिद्ध की उपाय की। मात्र 11 साबुत मूंग और 11 चावल का एक उपाय। यदि आपके जीवन में अनेकों समस्याएं बहुत पुरानी हैं, उलझी हुई हैं, यानी कि जब आपके कार्य बहुत ज्यादा उलझ बुलझ जाते हैं, तो कहा जाता है सदाशिव महादेव की शरण में चले जाना चाहिए। उलझनों से आप घिरे हैं, चाहे आपका वैवाहिक जीवन उलझनों से घिरा हुआ है, मतलब या धन की समस्या हो, संतान की समस्या हो, आपकी निजी कोई समस्या हो, आप कोई भी आपकी समस्या है या कोई भी आपकी मनोकामना आपके मन के अंदर हो कि हे ईश्वर, अगर मेरा ये काम हो जाए तो बहुत अच्छा है, अगर ईश्वर मेरा ये काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत लंबे समय से आप बहुत सारे उपाय करके थक गए, लेकिन आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो भगवान शिव की शरण में जाइए। आपको करना क्या है, सोमवार का दिन, मतलब आप इस उपाय को सोमवार में भी कर सकते हैं और आप इस उपाय को प्रदोष में भी कर सकते हैं। हर एक महीने में दो प्रदोष आते हैं, दोनों प्रदोष में करिए और हर सोमवार में करिए, परिणाम शीघ्र देखने के लिए मिलेगा। प्रातःकाल अपना निजी कार्यों से निवृत्त होकर आप एक तांबे का लोटा लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, उसके अंदर जल डालेंगे, उसके अंदर 11 मिश्री के दाने डालेंगे, 11 साबुत मूंग डालेंगे, साबुत मूंग हरी आप डालेंगे और 11 ही साबुत चावल डालेंगे, अक्षत जिन्हें कहते हैं, यानी कि साबुत चावल। अगर आपको बेलपत्र और शमी पत्र मिलते हैं, क्योंकि बेल के भी वृक्ष होते हैं जगह जगह और शमी वृक्ष भी होते हैं जगह जगह, तो आप 11 बेलपत्र और 11 शमी पत्र भी ले लीजिएगा। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलते हैं तो खाली शमी पत्र ले लीजिएगा, शमी पत्र नहीं मिले तो खाली बेलपत्र ले लीजिएगा, 11 नहीं मिले तो 5 ले लीजिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि मिल जाए। और आप उन्हें लेकर भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे, शिवालय में जाएंगे और उसके बाद आप अपने हाथ में जल का लोटा लेकर, क्योंकि जल के लोटे में आपने सामग्री डाली है, जल का लोटा लेकर बेलपत्र और शमी पत्र आपको अपने हाथ में इसी तरह रखने हैं और उसके ऊपर लोटा रख लेना है। मनी मन भगवान शिव से पहले तो आपको बात करनी है, यानी कि जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, जो बरसों से पूरी नहीं हुई है, वो किस तरह पूरी हो सकती है। अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी बात कहते हुए, नतमस्तक होते हुए, भगवान को प्रणाम करते हुए, शरणागत होते हुए, उसके बाद आपको वो जल जो है भगवान सदाशिव पर अर्पित करना है, यानी शिवलिंग पर अर्पित करना है। पंचाक्षरी मंत्र का आपको जाप करना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत जल्दी से सारा जल नहीं दे देना है, थोड़ा थोड़ा जल धार बांध कर देंगे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए, धीरे धीरे धार बांध कर देना है। जब वो जल समाप्त हो जाए, उसके पश्चात आपको वो बेलपत्र और शमी पत्र जो है वो शिवालय पर, शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। जब इस तरह से आप कर और फिर अपने घर को आप आ जाइए, भगवान शिव का स्मरण आप करते रहिए। जो भी आपने उनसे बात कही है, आप समझिए कि आज मैंने जो बात कही वो बस मेरी पूरी हो गई, जो बात मैंने कही वो सब पूरी हो गई, जो बात मैंने कही भगवान शिव ने वो बात सुन ली, अब मेरी बात पूरी हो गई, अब मेरी इच्छा पूरी हो गई, अब मेरी मनोकामना पूरी हो गई। ये देखिए, भगवान शिव को मनाना आसान है, सब कहते हैं मनाना बहुत आसान है, वो क्रोधित भी जल्दी होते, लेकिन मनाना ज्यादा आसान है। भक्त भाव से अगर अपने मन की बात कहते हैं तो भगवान शिव तक जरूर पहुंचती है। तो इसलिए आप भगवान शिव को मनाइए, सोमवार की सोमवार करिए, 11 सोमवार इसको जरूर कीजिए और प्रदोष में भी कर सकते हैं। सोमवार में प्रातः काल करना है, प्रदोष में सायकाल करना है। प्रदोष जब आएगा तो उस प्रदोष पे आपको सायकाल यानी प्रदोष काल में इस कार्य को करना है, बाकी सोमवार में आपको इसे प्रातः काल करना है। करके देखिए, श्रद्धा भक्ति से करके देखिए, भगवान शिव निश्चित आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, आपकी सारी समस्याओं का
अंत करेंगे, जो भी कष्ट है, दुख है, परेशानी है, उनका निवारण होना शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। करके देखिए एक बार, विश्वास के साथ करिए, रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।